छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, मोदी की गारंटी, उसके तहत जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरे किए जाएंगे। सबसे पहला काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान की स्वीकृति करना होगा। 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन है, उस दिन राज्य के सभी कृषकों के खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। हम पर विश्वास व्यक्त किया है, सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की सुविधा, पहला काम देना चाहूंगा। जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं, एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी। आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी जिससे हर वर्ग त्रस्त था और आज उस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोगों की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे।